लाइफ फेमस नाश्ता बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं फारा, तो चलो उसकी प्रिपरेशन कर ले। दोस्तों फारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है मैंने, ये चने की दाल है, तो चने की दाल को मैं अच्छे से इसमें पानी से वॉश करके भिगा लूंगी। ये यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली है, तो इसे अच्छे से वॉश करना है मुझे, और इसे वॉश करके मैं रख दूंगी भीगने के लिए। तो चलिए इसे धो लेती हूँ मैं, और फिर इसे पानी से भर देना है मुझे। तो पानी से पूरा फुल कर दे रही हूँ मैं इसे। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी कटोरी से ये देखिए दोस्तों, 1 कप मैंने उड़द दाल लिया है, तो आप बिना छिलके के भी ले सकते हैं, मुझे ये छिलके के साथ मिल गया है। तो मैं क्या करूंगी, इसे भी वॉश करके अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे धो ले रही हूँ, फिर इसके मैं छिलके अलग रख लूंगी, तो इसे 4 घंटे के लिए भीगने के लिए। तो इसे पानी से फुल कर दे रही हूँ मैं। तो मैंने दाल को भीगने के लिए रख दिया है, तो ये दाल अच्छी से भीग जाएंगी, तो हमें पीस लेना है इसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब लोग लहसुन छिलने में लगे हुए हैं, तो लहसुन छिला रहा है मसाले के लिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ घंटे बाद ये देखिए, ये चने की दाल फूल चुकी है और ये उड़द की दाल फूल चुकी है, तो इसे हम पीसने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसे पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे चने की दाल को पीस रहे हैं, सबसे रहा है, तो सबसे पहले हम इसे पीसेंगे। मम्मी मामू डाली, मामी डाल गई है ना, क्या बनने वाला है परी आज? तो कुछ इस तरह से हमने इसका पेस्ट बनाया है, दरदरा सा, तो सबका दरदरा पेस्ट हमें बनाना है। फिर इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, तो बाकी का देखिए पीस रही है मामी जी। तो इसी तरह हमें सब पीस लेना है। तो यहीं पे हमने 1 चम्मच जीरा और यहाँ पे लहसुन और मिर्ची है, इसे भी पीस लेंगे इसी मिक्सर जार। तो ये भी पीसने वाले हैं हम, लहसुन मिर्ची, तो इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। तो ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है लहसुन मिर्ची का, तो इसमें हम डाल रहे हैं, जीरा भी इसमें हमने डाला था। तो इसमें हमें ज़्यादा मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते जाइए हम क्या क्या डाल रहे हैं, बस घर की कुछ ही चीज़ों से हम ये बनाएंगे। यहीं पे धनिया, हरी धनिया हम डालेंगे इसके अंदर, तो ये धनिया काटी जा रही है। यहीं पे परी और सिया पढ़ाई कर रही हैं, क्या पढ़ रही हो? हल्दी। तो 2 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। तो स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वाह,
हम इसकी ऐसे ही पकौड़ी बना के खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम इसका फारा बना रहे हैं दोस्तों। तो यहीं पे हमने आधा छोटा चम्मच हींग लिया है, तो इसे डाल देंगे हम जब भी ऐसा तला भुना या खाएंगे मसाला। वैसे तो ये सब्जी हींग से क्या होता है दोस्तों, पेट ओट में हाजमे के लिए अच्छा रहता है, तो ये खाना अच्छे से पचाता है हींग। तो ये लास्ट में हमारा हरा हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। तो ये कितना अभी से कलरफुल लग रहा है, तो इसमें हमने ढेर सारा धनिया डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम अभी नहीं मिक्स करने वाले हैं, हम पहले आटा गूंथेंगे, नहीं तो ये नमक है चारों ओर फैल के ये पिघलने लगेगा, तो हमसे संभलेगा नहीं। हम पहले अब आटा गूंथने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1.5 किलो आटा लिया है, ये चावल का आटा है, तो हमारे घर में क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इसे हम सानेंगे, इसका हमें डो तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें डो, इसका डो बना लेना है हमें। आटे में हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है, बस इसका हम डो बनाएंगे। देखो दोस्तों, हमारा डो कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये तैयार होने वाला है। तो चावल के आटे में आप पानी हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालिए। सो फ्रेंड्स, ये आटा देखिए हमारा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आटा गूंथने के बाद हम इसे बैटर को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, अच्छे से चारों तरफ हमें मिला लेना है ताकि नमक चारों ओर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अपनी हथेलियों पे इसे ऐसे करना है, ये बन गया इस तरह से कुछ रोटी के जैसे। तो एक चम्मच ये मैं ले रही हूँ, तो इसे बीच में रख देना है इस तरह से। ये रखने के बाद फिर हमें इसे इस तरह से जैसे करंजी बनाते हैं उसी तरह से इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, तो ये थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हम लोग तो बहुत खाते हैं इसे, बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैं पास से दिखा दे रही हूँ कैसे बन रहा है फारा। तो पहले इसे पूड़ी की तरह हम हथेलियों से बना ले रहे हैं, रोटी की तरह, पूड़ी की तरह। तो फिर ये हम अपना बैटर लेंगे, तो इसके पास में, सॉरी, इसके ऊपर डाल देना है, तो बीच में ही रखना है। और देखिए किस तरह से इसे फोल्ड कर रहे हैं हम, और फिर इसे कवर कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमने इतना सारा तयार कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फारा रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पे ये इडली मेकर ही हमारा इसे ले लिया है, और मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है, और ये हम पैन इसके अंदर डाल के और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो ये मैं क्या करूंगी, एक इडली मेकर का ये जो स्टैंड है ना, इसके अंदर रख दूंगी और मैं इसे ढक्कन से कवर कर दूंगी। तो ये जब तक कवर हो रहा है हम बाकी के फारा बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पानी में उबाल आया है कि नहीं? तो आ गया है पानी में उबाल। जब पानी में उबाल आएगा तभी हम फारों को इसमें डालेंगे। तो देखिए डाला जा रहा है, तो एक एक करके इसी में बिछा लेना है। तो हम इडली मेकर में बना रहे तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसे स्टीम से कुक करना, ये बहुत ही डिलीशियस नाश्ता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें तेल नहीं लगता है, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि बिना ऑयल का खाना हेल्दी खाना है। तो देखिए दोस्तों, चारों तरफ हम इसे बिछा ले रहे हैं।
तो इसे हम ढक देंगे। सो फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक देंगे तो पक जाएगा उतने में, तो इसे पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स 10 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए फारा हमारा रेडी हो चुका है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पूरा पक चुका है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों हम एक निकालेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, इसे चम्मच से ऐसे काटेंगे। तो ये देखिए चम्मच से काट के देखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये देखिए कितना इवेनली कुक हो चुका है, कहीं भी गीला नहीं, एकदम सूखा सूखा है। तो इसी तरह से हम पका लेंगे सभी को। तो ये बैच रेडी है, तो इसे पूरा हम निकाल लेते हैं। तो सारे फारों को अब हम निकालेंगे इसके अंदर से। तो देखिए दोस्तों एक एक हम इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो ये सारे बच्चे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है हमारे घर में। खाना पीते अच्छा लगता है, मुझे पहला क्या मेरे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये इडली मेकर में बनाएंगे इस तरह से, तो देखिए चिपका भी नहीं है, कुछ रखने की भी दिक्कत नहीं है, इवनली ये कुक हो चुका है। तो कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और ये पानी से ही कुक हो चुका है, तेल भी नहीं लगा है, तो इसमें तेल की बचत होती है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी नाश्ता है ये। देखिए फारा का मजा उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है परी? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो बहुत ज्यादा ही खाती हूँ। तो इतना सारा है दोस्तों, आप लोग को खाना है तो आ जाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा बना है। तो ये बिना तेल का ही है, हेल्दी हेल्दी नाश्ता है, आप लोग जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।